नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के आठवें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच में टॉस जीता और पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी थमा दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स को चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चहर ने तहस नहस करके रख दिया। दीपक चहर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में कमाल का खेल दिखाते हुए अपने चार ओवर के स्पेल में 3.2 की इकोनॉमी रेट से चार विकेट अपने नाम कर लिए। इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका। इसी के साथ चहर साल 2017 में अपने डेब्यू के बाद आईपीएल में पहले 6 ओवरों में सबसे ज्यादा 36 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए। इस मामले में दूसरे नंबर पर उमेश यादव हैं, जिन्होंने आईपीएल के शुरुआती 6 ओवरों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं। दीपक चहर ने सबसे पहले मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड किया और इसके बाद क्रिस गेल, दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन का विकेट निकाला। आपको बता दें, पावर प्ले के दौरान ही दीपक चहर ने अपने चारों ही ओवर डाल दिए थे। आपको बता दें, आईपीएल में 2017 में डेब्यू करने के बाद सबसे ज्यादा 14 बल्लेबाजों को डक पर आउट करने वाले वो गेंदबाज भी बन गए हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा डक पर आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज उमेश यादव हैं। उमेश यादव ने 2017 के बाद से 10 बार बल्लेबाजों को बिना खाता खोले पेविलियन का रास्ता दिखाया था। दीपक चहर का आईपीएल में ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। चहर का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट था, जो उन्होंने 2018 में एसआरएच के खिलाफ किया था। चहर अब चेन्नई की ओर से पंजाब के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, पंजाब ने अपने 5 विकेट सिर्फ 26 रन के अंदर ही गंवा दिए थे। टीम पहले मुकाबले में जीत के साथ दूसरे मुकाबले में उतरी थी, लेकिन चेन्नई की धारदार गेंदबाजी के आगे पंजाब की पूरी बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।